क्या नाम हुआ? शाहबाज मलिक। शाहबाज मलिक, अगर आपका शाहबाज मलिक नाम है और जो मैंने पूछा आपने वही बताया, गलत नहीं है ना? ठीक है, अगर आप कहते हैं कि मेरा नाम सुमित भी हो जाएगा या आकाश रख लूंगा, मेरी कौन सी तोहीन है क्या? पहचान क्यों छुपाना? पहचान क्यों छुपाना? मैं वही तो बता, अगर मैं रख लूं तो क्या दिक्कत है? क्या मैं मुसलमान में घट जाऊंगा? अगर मैं मुसलमान हूँ और जय श्री राम बोल दूं तो मेरी तोहीन है इसमें? अगर आज आप हिंदू धर्म अपना लेते हैं, कोई आपत्ति आपको? नहीं, कोई नहीं। बताइए साहब। देखिए शाहनवाज जी कह रहे हैं, इन्होंने पूरा नाम अपना बताया, शाहनवाज मलिक। भाई हमारा जाटों का तुमने क्यों वो ले लिया टाइटल? हमारा ये मलिक जो है जाटों का टाइटल है। जब आपने आप कन्वर्ट हो चुके हो या कन्वर्ट हो चुके हो तो अपने कन्वर्जन वाला टाइटल रखो। हमारा टाइटल क्यों लेके बैठे हैं आप? है? नहीं नहीं, मेरी बात नहीं समझ रहे आप। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप मुद्दे भी नहीं आ रहे हो। आज मलिक समाज जो है मुस्लिम वर्ग के अंदर जो मुस्लिम मलिक कौम है जो, वो ठीक है, अंडरस्टूड है, कन्वर्टेड है, वो सब बात समझ में आती है। पर ये आज की तारीख में जिसे कहते हैं तेली कौम मानी जाती है, ऐसे ही है भाई साहब, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? आपने एक क्षत्रिय कौम को तेली कौम बना दिया। क्यों बना दिया आपने? जाट जो है क्षत्रिय कौम आती है, क्षत्रिय कौम है जाट। मलिक जो है जाटों का टाइटल है, वो एक क्षत्रिय कौम है, वो पीस टाइम में किसान है और युद्ध के समय वो जवान है। आपने उसको एक तेली कौम बना दिया। क्यों बना दिया तेली कौम आपने? आप हमारे जो टाइटल है उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। शुक्र मनाइए कि आपके ऊपर हम कभी कोई शिकायत नहीं करते हैं। गुरेज नहीं है हमें। धन्यवाद जी। जी भाई क्या बोलूँ मैं, बताओ इससे बड़ा क्या, इससे बड़ा और ज्यादा क्या जवाब होगा कि हाँ। उनकी सोच उनके साथ, समझ सोच नहीं है, हकीकत है। पहले सोच नहीं कही है, ये सोच है या हकीकत है? सोच मेरी साथ, सोच है या हकीकत है? शुक्रगुजार है। क्या आप कन्वर्टेड नहीं है? एक मिनट सुनिए, क्या आप कन्वर्टेड नहीं है? मुझे क्या पता, बड़े बुड्ढों का टक्कर मारो ना भाई। बड़े बुड्ढों का टक्कर मारो भाई, बड़े बुड्ढे ने क्या 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 मुस्लिम कन्वर्टेड नहीं है? जो अगर मलिक ना है, हम कन्वर्टेड है कैसे भी है, लेकिन हम मुसलमान है और हमें गर्व है भाई, इसलिए मलिक लगाते हैं। मलिक मैं कह रहा हूँ, एक काम करिए, किसी मौलाना को, अपने किसी जानने वाले मौलाना को जिसको आप विद्वान मानते हैं, कॉल में लाइए और उनसे पूछिए क्या मलिक मुसलमान हो सकता है क्या? क्यों पाकिस्तान की मिलूं मैं? सर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में भी मुसलमान है, अब वहां कैसे करो? देखिए अगर आप एक मिनट रुकिए, अगर एक मिनट रुकिए, कन्वर्टेड मुसलमान को अगर आप असली मुसलमान मान रहे हैं तो ये आपकी विद्वानता है और आपकी महानता है भाई। मेरे मैं कह रहा हूँ कि किस किस को मानोगे तुम, किस किस से पूछोगे? हाँ, सऊदी वालों से अपने आका किसे मैं क्यों मानू? आका ये बस अपन किसी को आका मानते हैं, किसको मानते हैं? किसी को हमारा अच्छा आका। फतवा कहाँ से जारी होता है आपका? फतवा कहाँ से? फतवा यहीं से जारी हो जाएगा, दिल्ली में होता है। वो कौन है फिर आपका कहने का मतलब? फतवा जारी करने वाला कौन है? हम मुफ्ती से फतवा लेते हैं, हर इलाके मुफ्ती कौन है? मुफ्ती कौन है? मुफ्ती हमारे उलमा होते हैं, जिन्होंने मुफ्ती की पढ़ाई होती है ना, और जो मुफ्ती होते हैं ना, हमारे को जितने भी फतवे लेने होते हैं ना, मुफ्ती से फतवा लेते हैं। मुफ्ती को ही हक और अधिकार है जो फतवा दे सकता है, और किसी की ताकत नहीं जो फतवा दे देवे, और उसके फतवे को हम मान भी नहीं सकते। हम मुफ्ती के फतवे को मानेंगे, वो भी काबिल मुफ्ती हो, ऐसा नहीं ऐरा गैरा नथू ठेरा हो जावे उसकी। तो असली मुसलमान किसे मानेंगे फिर आप? मुसलमान तो मैं ही, असली और नकली क्या होता है मुसलमान में? क्यों नहीं है मुसलमान में नकली असली क्या होता है? नहीं, असली नकली क्या होता है मुझे इसका जवाब चाहिए। असली और नकली मुसलमान क्या होता है मुझे इसका जवाब चाहिए। अब रुकिए, हमारी अभी सुन्नी समाज के कुछ लोगों से बातचीत हुई, जिन्होंने रखता हूँ ये भी बता दे रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि जो सिया समाज है वो मुसलमान है ही नहीं, उन्होंने कहा। वीडियो चेक करना और बाद में बात। हाँ मेरी बात सुनो, मुस्लिम कौम में सिया सुन्नी है, ठीक है ना? तो जो सिया लोग है ना, सिया लोग अंतर है दोनों में, सिया और सुन्नी में क्या? वही बता रहा मेरे भाई, वही बता रहा हूँ। सिया सुन्नी में अंतर ये कि सिया लोग हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानते हैं, और सुन्नी लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, और कयामत तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई दूसरा नबी आ ही नहीं सकता है, ठीक है ना? हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, वो हमारे नबी हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, इसलिए हम वो उनका कयामत तक उनका ही जो दीन इस्लाम उन पर ही चलेगा, जो वो करके गए, जो बता के गए, दूसरा कोई मजहब नहीं आएगा, ना इस्लाम में बढ़ोतरी होगी ना कमोतरी होगी। सिया नहीं मानता है कि उनको उनको देखो वो क्या है ना, वो हजरत अली को बढ़ावा देते हैं, और हजरत अली एक सहाबा है और वो एक नबी है, दोनों में बहुत फ़र्क है, तो नहीं हो सकता। तो आप उनको मुसलमान नहीं मानेंगे अगर वो उनको नहीं मान रहे तो? उनकी कमी है, वो मुसलमान है लेकिन वो कम, वो सिया वो हमारी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं उसकी बराबरी सिया नहीं कर सकते। काबर रूट पर एक मिनट बता दूं, अमूल जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो एक पर्टिकुलर कंपनी नहीं है, उसका कोई पर्टिकुलर एक सिंगल बंदा MD नहीं है, ठीक है? अमूल जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जैसे UPSRTC है, ये कॉरपोरेशन है,
कॉरपोरेशन में एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के ऊपर नहीं होता है, कॉरपोरेशन में एक समूह होता है पूरा का पूरा, वो जाके सहकारी जिसे कहते हैं कॉरपोरेशन जो है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमूल जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी है। हालांकि नहीं, जवाब नहीं हुआ इनका, हालांकि इन्होंने विस्तार, मैं इनके, हाँ हाँ मैं, अरे मैं वही तो मैं वही कहना चाहता हूँ। जहाँ देखो लिमिटेड लिमिटेड, देखो एक लिमिटेड हो गया, एक कंपनी हो गया, काबड़ रूट पर जो जो खाद्य पदार्थ की दुकान है, जो खाना बनाती हैं या बेचती हैं, उनकी शुद्धता अशुद्धता के लिए यह सवाल किया गया या आदेशित किया गया कि उसको अपना नाम प्रदर्शित करना होगा। नाम ठीक है, वो सही सरकार कर रही है, ठीक है भाई। सबसे पहले आपका नाम क्या है बताइए? केशव। आपका चैनल का नाम क्या है? खबर इंडिया लिखा हुआ है जी सर। हाँ। अब सबसे पहले जिस अपना नाम मुद्दे पे, मेरा सुनील कुमार नाम है, मोदी नगर से ही है, गाजियाबाद। और सबसे पहले जो मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं कि धर्म से रिलेटेड, ठीक, तो धर्म है क्या, मेरा प्रश्न आपसे। मेरा तो धर्म का सवाल ही नहीं था, धर्म पे मेरा सवाल था, नहीं नहीं वो बीच में चली, आपसे पूछ दिया आपका धर्म क्या है, प्रश्न मेरे आपसे है। देखिए मेरी सुनिए पहले, मेरी सुनिए, मेरा धर्म हिंदू है, मैं हिंदू हूँ। जरा पढ़ना बताइए पहले आप, शास्त्र से रिलेटेड है, लोग ये लोग कुरान को फॉलो करते हैं क्या, आप गीता का फॉलो करते हैं क्या, करते हैं हम, इसीलिए पूछा मैं कि किसको मानते हैं हम, नहीं नहीं इसीलिए मेरा आपसे प्रश्न है क्या हिंदू। अच्छा बताइए, ठीक है, अब बताइए आप कौन हैं, हिंदू हैं क्या हैं? मैं सनातनी हूँ सर, मानता हूँ फिर मैं। आपने हिंदू कैसे बोल दिया? किसे मानता हूँ फिर मैं? आपने हिंदू, मेरा हिंदू परिवार में जन्म हुआ, मैं पूजा पद्धति में, एक बार रुकिए, देखिए पूजा पद्धति में, एक बार रुकिए, मैं पूजा पद्धति में यकीन रखता हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ, मैं एक मैं हर हर मानव में जीव मानता हूँ, चींटी में भी भगवान खोजता हूँ, पानी में भी अपनी गंगा माँ को ढूंढता हूँ, मैं पृथ्वी से लेकर पाताल तक सबकी पूजा करता हूँ। ये है, बोलने का मौका देंगे तो प्रश्न जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर मिलेगा। तो भगवान कहाँ आपसे कहते हैं, कैसे ये बताइए, आपको कैसे मालूम चला कि सब में जीव है? हाँ। सब सामान्य है, कैसे मालूम चला? ब्लड बनाइए आप, एक एक यूनिट ब्लड बना के दिखाइए और मुझे बताइए। देखिए हाँ। ऐसा चीज नहीं, नहीं प्रश्न का मेरा जवाब पहले मैं कर रहा हूँ ना, मैं इसी जवाब को कर रहा हूँ। नहीं 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 सर, घुमाइए मत घुमाइए मत, मेरा आपने स्पष्ट रूप से कहा धर्म, मैंने पूछा आपने, मेरी सुनिए। चलिए अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, एक बार रुक जाइए, चार वर्ण है, अब मैं रुक जाइए। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, किसमें? अपने शास्त्र के माध्यम से। अब कहने के लिए आप चाहे 10-20 बनाते रहे चलेगा, लेकिन अब रह गई ये समाज में बहुत सारा करप्शन है, चाहे जो कुछ भी है, चाहे ये भेदभाव आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? मेन पॉइंट यहाँ ये देखना है कि हम अज्ञान हैं, हमारे अंदर बुद्धि की कमी है। अगर जिस दिन हमारे अंदर थोड़ी सी विवेक की बीज उत्पन्न हो जाएगा तो उस दिन में भेदभाव से बिल्कुल हम परे हट जाएंगे, बहुत दूरी बना लेंगे उसको। जब हम इसी चीज़ को नहीं जानते फिर आगे की बात हम कहाँ से कर पाएंगे? अपनी अपनी जो हमारा चीजें पढ़ने के लिए रखने के लिए हम उसको तो रखते नहीं, पास और सवाल नहीं होते, इसे में चर्चा करेंगे तो कैसे काम चलेगा? जो हमारा प्रश्न था पहला ही कि धर्म क्या है, आपने हिंदू बता दिया, भाई साहब ने सनातन बताया, इन्होंने कहाँ से बताया सनातन, कैसे बता दिया इन्होंने? उसे तो इन्होंने शास्त्र का अध्ययन तो किया नहीं होगा, या तो हम लोग से ज्यादा नॉलेज इनको है अपने में भी, इतनी नॉलेज है कि इनको ये नहीं पता कि हम मुसलमान हैं या क्या है, आज भी कंफ्यूजन में है। क्यों, क्या ना, शाहनवाज मलिक, मेरी सुन लीजिए, शाहनवाज मलिक आज भी ये कंफ्यूज है कि हम असली कौन है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।